डियर स्टूडेंट्स, आज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट, है ना। मतलब अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका रूट और उसके कोफिशिएंट में क्या डिफरेंसेस, क्या रिलेशंस होते हैं, है ना, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसके बाद पहले हम जनरलाइजेशन में पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके पर्टिकुलर इक्वेशन में भी पढ़ेंगे कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है मेरे पास तो उसका रूट अगर हम एज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा में, है ना, क्या रिलेशन होता है अल्फा बीटा और उसके कोफिशिएंट्स के बीच में। इसी तरीके से क्यूबिक के भाई बारे में हम पढ़ेंगे और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट्स। हम यहाँ पे ज़ूम कर लेते हैं, लेट अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन, अल्फा एन बी रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, बी रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए जीरो एक्स की पावर एन, ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस सो ऑन ए जीरो, है ना। देन अब ध्यान दे दीजिएगा, देन अगर हम एस वन लिखते हैं, हम क्या लिखे हैं कि ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिया हुआ जिसका रूट है अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन अल्फा एन। देन इस केस में अगर हम एस वन कहेंगे ना, तो इसका मतलब होगा अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस सो ऑन अल्फा एन, है ना, सबका सिंगल का जोड़ कर दीजिएगा। तो ये आपको हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा आई, क्लियर, और आई इक्वल टू कहाँ से जा रहा है, तो वन से एन तक जा रहा है सर। इसका जो फॉर्मूला होगा ना, ये होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, क्लियर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन कितना है, ए वन है, तो ये हो जाएगा माइनस ए वन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन कितना है, ये जीरो है, तो माइनस ए वन अपॉन ए जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एस टू निकालेंगे, अब आप दो दो कर लीजिए, जैसे पहले हम वन ले लेते हैं, वन टू अल्फा वन अल्फा टू, फिर क्या हो जाएगा अल्फा टू अल्फा थ्री, फिर क्या हो जाएगा अल्फा थ्री अल्फा फोर एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। इसका जो होगा वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा आई अल्फा जे, लेकिन कभी भी आई जे इक्वल नहीं होगा, इक्वल कहने का मतलब अल्फा वन नहीं होगा, वन टू हमेशा अनइक्वल है, देखिए वन टू टू थ्री थ्री फोर हमेशा अनइक्वल है, तो हम लिख देते हैं आई नॉट इक्वल टू जे। इसका जो फॉर्मूला होगा ये माइन, आप ऐसे लिखिएगा इसको, माइनस वन का पावर टू, ये एस वन था तो माइनस वन का पावर वन हो गया, एस टू है तो माइनस वन का पावर टू हो गया, इंटू कोफिशियंट ऑफ, पहले में हम क्या लिख रहे थे एन माइनस वन, तो इसमें क्या हो जाएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स पर पावर एन माइनस टू अपॉन, नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे सबका सेम होगा कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये आपका कितना हो जाएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस टू का कोफिशियंट कितना है, ए टू है, तो ए टू अपॉन एक्स की पावर एन का कोफिशियंट कितना है, ए जीरो है, तो ये ए जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम थ्री कहेंगे तो ये वन टू थ्री, फिर से टू थ्री फोर एंड सो ऑन चलता जाएगा, है ना। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं समेशन आई नॉट इक्वल टू जे नॉट इक्वल टू के अल्फा आई अल्फा जे और अल्फा के, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस वन की पावर थ्री इंटू कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर कितना, तो एन माइनस थ्री इस बार अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स की पावर एन, तो कितना हो जाएगा माइनस वन का क्यूब इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री का कोफिशियंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन माइनस थ्री हो जाएगा, है ना, कोफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री, तो इस बार ए थ्री हो जाएगा, तो ए थ्री अपॉन ए जीरो हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आप चार का भी निकाल सकते हैं, हम डायरेक्ट एन का लिख देते हैं एस एन, तो ये सब का गुना हो जाएगा अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन, है ना। तो
इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो माइनस वन टू द पावर एन इंटू कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर जीरो अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो एक्स टू द पावर जीरो मतलब कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म इस केस में कितना है, इस टर्म में कॉन्स्टेंट टर्म आपका कितना है, ए जीरो है, तो ए जीरो अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन का कॉफिशियंट कितना है आपका, ए जीरो है, यहाँ गड़बड़ हो गया, ए जीरो नहीं ए एन होगा, जीरो वन टू सो ऑन एन तक चल रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका ए एन अपॉन ए जीरो, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम पार्टिकुलर केस में पढ़ाते हैं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब क्या होगा, क्यूबिक में क्या होगा, बाय क्वाड्रेटिक में क्या होगा, है ना, आप इसको सबसे पहले नोट कर लें। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है आपका पार्टिकुलर केस, अभी हम जनरलाइज करके पढ़ रहे थे, अब पार्टिकुलर केस के बारे में बात करेंगे। इसमें पहला नंबर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। मान लेते हैं लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, आप जानते भी हैं इसको। अगर अल्फा बीटा इसका हम रूट मान लिए तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, ध्यान दे दीजिएगा आप, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो माइनस वन टू द पावर वन इंटू मैक्सिमम पावर कितना है, तो टू, तो कॉफिशियंट ऑफ टू माइनस वन, टू माइनस वन कितना हो जाएगा, कॉफिशियंट ऑफ एक्स, एक्स का कॉफिशियंट कितना है बी है, अपॉन मैक्सिमम पावर का कॉफिशियंट तो कितना है ए है, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये क्या फॉर्मूला था, माइनस वन टू द पावर, माइनस वन टू द पावर एन, एन इस केस में कितना है, एन मतलब मैक्सिमम डिग्री कितना है इस केस में, तो टू ही है, टू इंटू कॉन्स्टेंट टर्म क्या है जिसमें एक्स नहीं है, कॉन्स्टेंट टर्म सी है, अपॉन मैक्सिमम पावर का कॉफिशियंट कितना है ए है, तो ये आपका हो जाएगा सी बाय ए। रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप अभी तक रट रहे हैं तो रटिए नहीं, आप इसको कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। इसी तरीके से है आपका क्यूबिक इक्वेशन, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, बी द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। देन इस केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर वन इंटू मैक्सिमम पावर कितना है थ्री, तो थ्री में से आप ये घटा दीजिए, टू का कॉफिशियंट कितना है बी है, अपॉन मैक्सिमम पावर का कॉफिशियंट तो ए, तो ये आपका माइनस बी बाय ए हो जाएगा, है ना। फिर अब दो दो करके लेना होगा जोड़ा करके, तो अल्फा बीटा फिर से क्या हो जाएगा, अल्फा गामा फिर से क्या हो जाएगा, बीटा गामा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये माइनस वन टू द पावर टू इंटू फिर से दो कम कर दीजिए आप, मैक्सिमम पावर में दो कम कर दीजिए, अभी पहले बार में हम क्या कर रहे थे, एक कम कर रहे थे, तो तीन में से दो कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक, तो एक्स के पावर वन का कॉफिशियंट कितना हो जाएगा ये सी अपॉन मैक्सिमम पावर का कॉफिशियंट ए, तो ये हो जाएगा सी बाय ए। फिर तीनों का अगर हम निकालेंगे अल्फा बीटा गामा का, तो माइनस वन टू द पावर एन फॉर्मूला होता है, एन मतलब कितना है इसका मैक्सिमम डिग्री कितना है थ्री इंटू कॉन्स्टेंट टर्म जिसमें एक्स नहीं हो क्या है आपका डी अपॉन मैक्सिमम पावर का कॉफिशियंट ए है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस डी बाय ए हो गया, क्लियर। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको ये रूट्स में रिलेशन बताते हैं। पार्टिकुलर केस में फोर्थ नंबर है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक, बाय मतलब दो और क्वा मतलब भी दो, है ना, तो दो की पावर दो मतलब चार वाला, तो हम इसमें रूट मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ए एक्स फोर प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल्स टू जीरो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है इसका। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस वन टू द पावर वन इंटू मैक्सिमम पावर कितना है चार, चार में से आप एक घटा दीजिए तो तीन, तीन का कॉफिशियंट कितना है बी अपॉन मैक्सिमम पावर का कॉफिशियंट, सबके डिवाइड में मैक्सिमम पावर का ही कॉफिशियंट होगा, आप ये बात याद रखिएगा, ये हो गया माइनस बी बाय ए।
फिर से निकालेंगे, डबल डबल करके निकालेंगे पेयर, तो अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, फिर से बीमा बीटा के साथ पेयर बनाएंगे तो बीटा गामा, बीटा डेल्टा, फिर से क्या हो जाएगा, गामा डेल्टा, ये हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर टू इंटू, नीचे क्या होगा, हाईएस्ट पावर का कोफिशियंट ही होगा, ये तो ए ही होगा हर केस में। अभी हम क्या देख रहे थे, हाईएस्ट पावर माइनस वन का कोफिशियंट पहले वाले केस में, तो हाईएस्ट पावर माइनस टू का कोफिशियंट सेकेंड वाले केस में हो जाएगा, तो चार माइनस दो दो, दो का कोफिशियंट कितना है सी, सी अपॉन ए, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वन की पावर टू है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा सी बाय ए, ठीक है। फिर तीन का बनाएंगे तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, फिर से क्या हो जाएगा, अल्फा गामा डेल्टा, फिर से क्या हो जाएगा, बीटा गामा डेल्टा, है ना, एक और छूट गया आपका, अल्फा बीटा गामा ले लिए हम, फिर अल्फा गामा डेल्टा ले लिए, है ना, फिर बीटा गामा डेल्टा, और एक कौन सा हो जाएगा, अल्फा बीटा डेल्टा लिए हैं क्या, नहीं लिए, अल्फा बीटा डेल्टा, ये भी आपका हो जाएगा, तो माइनस वन टू दी पावर थ्री इंटू सी ले चुके हैं तो अब ये डी हो जाएगा, है ना, डी बाय ए, तो ये माइनस डी बाय ए हो गया। फिर सबका गुना कर देंगे चारों का, तो अल्फा बीटा डेल्टा गामा, ये क्या हो जाएगा, माइनस वन टू दी पावर वन था, टू था, थ्री था, तो अब ये फोर हो जाएगा, डी भी ले चुके हैं तो अब क्या हो जाएगा, ई, ई अपॉन ए, माइनस वन टू दी पावर फोर है तो पॉजिटिव ही होगा आपका ई बाय ए हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, अब इसके बेस पे कुछ हम क्वेश्चंस आपको बताते हैं तब ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना, तो सबसे पहले आप क्या मान लीजिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन कह रहा है, तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन मान लिए, तो अभी हम तुरंत पढ़ के आए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाय ए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर प्लस रूट फाइव अपॉन कितना हो जाएगा, फाइव प्लस रूट टू हो जाएगा, ये बी है, एक्स का कॉफिशियंट को बी कहते हैं, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट को हम ए कहते हैं, अभी हम बात कर रहे थे। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए तो सी बाय ए होता है, तो सी कॉन्स्टेंट टर्म को कहते हैं, ये दिया हुआ है एट प्लस टू रूट फाइव अपॉन ए, ये दिया हुआ है फाइव प्लस रूट टू, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द हार्मोनिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो हम मान लेते हैं लेट एच बी द एच एम हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है, अल्फा बीटा, है ना, एच हार्मोनिक मीन है, तो हार्मोनिक मीन है एच, अल्फा बीटा इसका रूट्स का एच एम है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, टू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा। अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरा प्रीवियस ए पी जी पी का जो प्रोग्रेशन का हम लेक्चर्स बनाए हुए हैं, है ना, क्लासेस हम लिए हुए हैं, आप उस वीडियोस को देखिए तब ये चीज़ हम बताए हुए हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये टू हो गया, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, एट प्लस टू रूट फाइव अपॉन फाइव प्लस रूट टू अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू पता है, फोर प्लस रूट फाइव अपॉन फाइव प्लस रूट टू, नीचे सेम है, आप कैंसिल आउट कर दीजिए, टू से गुना करेंगे, सोलह प्लस चार रूट फाइव अपॉन, नीचे कितना हो जाएगा, फोर प्लस रूट फाइव, है ना, ऊपर क्या देख रहे हैं, फोर कॉमन है, फोर कॉमन निकाल लीजिए, तो फोर प्लस रूट फाइव अपॉन, नीचे भी क्या है, फोर प्लस रूट फाइव, दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये आपका फोर आंसर दे देगा, है ना, फोर किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है परसेंट, क्लियर, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख के बताइए, तब पता चलेगा कि अगर आपको डाउट है तो हम चीज़ें को और भी आसान करके बताएंगे, है ना। ऐसे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आगे ऑडियंस है नहीं, आगे आप लोग हैं नहीं, तो समझ में नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए, ताकि हम अगले वीडियो से, अगले क्लासेस से आपको इस चीज़ों को और भी हम आसान करके बताएं, जिससे आपको क्लियरली वो समझ में आए। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में रूट्स ऑफ इक्वेशन कह रहा है दिस, तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करना होगा, है ना, कौन सा इक्वेशन है ये अभी तो पता है नहीं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू, ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस क्यू प्लस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू वन बाय आर दिया हुआ है। अब ये कितना हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई होगा, तो आर इंटू टू एक्स प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। क्लियर,
अब ये आपका हो जाएगा आर इंटू टू एक्स प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू, ये इतना हो जाएगा है ना। अब सबको आप एक साथ ले आइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पी प्लस क्यू, इसको भी आप उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा तो टू एक्स आर हो जाएगा है ना, एक्स कॉमन ले लिए तो माइनस टू आर हो जाएगा। ये इधर से कांस्टेंट टर्म कितना है पी क्यू है, ये आप उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये क्लियरली पता चल रहा है क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स कितना होगा, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है तो माइनस पी प्लस क्यू माइनस टू आर, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है तो ये कितना हो जाएगा पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू। क्लियर। अब ये रूट्स क्या दिया हुआ है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट है साइन में, तो ये दिया हुआ है सिंस रूट्स आर इक्वल बट अपोजिट इन साइन, बट अपोजिट इन साइन मतलब अल्फा जो है ना ये माइनस बीटा के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा जीरो, अगर अल्फा प्लस बीटा जीरो है तो हम यहाँ पे रख देंगे इसको, ये कितना हो जाएगा माइनस पी प्लस क्यू माइनस टू आर इज इक्वल्स टू जीरो, और हम क्या लिख सकते हैं माइनस को सबसे पहले उधर भेज देंगे है ना, तो जीरो माइनस जीरो लिखते नहीं है तो प्लस जीरो ही, तो पी प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा ये टू आर, ये उसका उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आर का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वन बाय टू पी प्लस क्यू हो जाएगा आपका। क्लियर। आपसे पूछ क्या रहा है, देन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है पी क्यू माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू। क्लियर। और आर का वैल्यू हम कितना निकाले हैं वन बाय टू पी प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस वन बाय टू पी प्लस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, एक पी प्लस क्यू यहाँ से एक पहले से आपके पास दिया हुआ है तो ये पी क्यू माइनस वन बाय टू कितना हो जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा है ना, ऐसा ऑप्शन है क्या, नहीं तो इसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू, आप एल सी एम ले लीजिए तो आसान हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा टू एल सी एम हो जाएगा, तो ये हो गया टू पी क्यू माइनस, जब आप इसको तोड़ेंगे तो माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस टू पी क्यू, एक्चुअली आप स्क्वायर तोड़िएगा तो पॉजिटिव ही होगा लेकिन माइनस से गुना कर रहे हैं इसीलिए ये निगेटिव हो जा रहा है। क्लियर। अब माइनस ऊपर आप कॉमन ले लीजिए तो माइनस वन बाय टू आपका बच जाएगा, ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस वन बाय टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, किस ऑप्शन में प्रेजेंट है ये, ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू बराबर जीरो, ठीक है। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करेंगे तो माइनस बी बाय ए, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ माइनस सिक्स, अपॉन ए का वैल्यू है वन तो ये प्लस सिक्स हो जाएगा, और अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी बाय ए तो ये कितना हो जाएगा माइनस टू, एंड एक चीज़ और दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ आपको कि ए एन जो है ना इसका वैल्यू अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, ठीक है, एन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। देन आपसे पूछ रहा है, नाउ आपसे पूछ रहा है ए टेन माइनस टू ए एट अपॉन टू ए नाइन, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए टेन, अगर यहाँ पे टेन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अल्फा की पावर टेन माइनस बीटा की पावर टेन माइनस टू इंटू ए एट, तो यहाँ कितना हो जाएगा अल्फा की पावर एट माइनस बीटा की पावर एट अपॉन टू इंटू नाइन पुट करेंगे तो अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा की पावर नाइन आपका हो जाएगा, ये हो गया अल्फा की पावर टेन माइनस बीटा की पावर टेन। अब आप क्या कीजिए, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना आया माइनस टू, माइनस टू यहाँ भी है तो आप इसको अल्फा बीटा पुट कर दीजिए, क्योंकि सारा टर्म जब अल्फा बीटा में आ जाएगा तब सॉल्यूशन आपके लिए इजी हो जाएगा, अभी ये माइनस टू है ना आपका सॉल्यूशन ठीक ढंग से होने नहीं देगा, इतना अपॉन नीचे जो है वो उतना ही हो जाएगा टू इंटू अल्फा की पावर नाइन माइनस बीटा की पावर
9। अब आप क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए इस वाले टर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 प्लस, इससे जब गुना करेंगे तो बेस सेम तो पावर ऐड हो जाता है, तो अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 9, बीटा माइनस यहाँ पे जब करेंगे तो अल्फा तो हो जाएगा सेम, लेकिन बीटा पर पावर कितना हो जाएगा 9, तो माइनस अल्फा और बीटा पर पावर हो जाएगा आपका 9 अपॉन 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस, जो नीचे दिया हुआ उसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, वो सेम हो जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें ना अल्फा की पावर 10 और अल्फा की पावर 9 इंटू बीटा में, तो इसमें कॉमन है आपका अल्फा की पावर 9, तो यहाँ से अल्फा बच जाएगा, यहाँ से प्लस में बीटा बच जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड में अगर हम यहाँ से देखें बीटा की पावर 10 और अल्फा इंटू बीटा की पावर 9, तो इसमें आपका माइनस में बीटा की पावर 9 कॉमन है, तो यहाँ से बीटा माइनस हम ले चुके हैं कॉमन, तो ये प्लस अल्फा अपॉन 2 इंटू अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ऊपर में होल में क्या कॉमन है, अल्फा प्लस बीटा कॉमन है, तो पहला से बच जाएगा अल्फा की पावर 9 माइनस सेकेंड से बच जाएगा बीटा की पावर 9 इंटू, ये हो जाएगा आपका अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, दोनों कट गया, तो ये कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम कितना लिखे हुए हैं 6 क्वेश्चन में, तो 6 अपॉन 2 ये कट के आ जाएगा 3, और 3 आपका इसमें पहला ही नंबर ऑप्शन दे रखा था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी टाइम पूछा हुआ भी एग्जाम में क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। इस क्वेश्चन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कितना दिया हुआ, 10 30 और 10 45 नहीं है, ये 15 डिग्री है आपका, 10 15, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 2 प्लस क्यू माइनस पी का वैल्यू, तो समेशन ऑफ रूट्स कितना होता है 10 30 प्लस 10 55, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई होता है, तो माइनस पी हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा 10 30 इंटू 10 15 डिग्री कितना हो जाएगा सी बाई ए, तो सी बाई ए क्यू हो जाएगा। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी है ना, ए को हम 30 डिग्री कह रहे हैं, बी को 45 कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, क्लियर। अब ये दिया हुआ है मेरे पास 10 30 प्लस 10 15, माइनस पी दिया हुआ है, और ये इंटू वाला भी दिया हुआ है क्यू, 1 माइनस क्यू, तो ये मेरा डायरेक्टली वैल्यू दिया हुआ था, इसीलिए हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किए, और जब इधर आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस पी बाय 1 माइनस क्यू। 10 45 का वैल्यू भी जानते हैं आप 1 होता है, तो 1 इक्वल्स टू माइनस पी बाय 1 माइनस क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस पी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस क्यू हो जाएगा। आप देखिए निकालना कैसा है आपका, p माइनस में ही है लेकिन q प्लस में, तो q को आप इधर ले आइए, q माइनस पी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन ये पूछ रहा है 2 प्लस q माइनस पी, दोनों तरफ आप क्या कीजिए 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस q माइनस पी, इधर भी 2 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 3, तो 2 प्लस q माइनस पी का वैल्यू 3 आ गया आपका, जो ऑप्शन नंबर बी में प्रजेंट है ना। आई थिंक समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसमें आर है ये 90 डिग्री है, और टेन पी बाई टू टेन क्यू बाई टू इस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, टेन पी बाई टू प्लस टेन क्यू बाई टू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये तो आप जानते हैं, और टेन पी बाई टू इंटू टेन क्यू बाई टू इज इक्वल टू सी बाय ए हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ दिया हुआ आर बराबर फाइव बाई टू, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, मतलब पाई होता है, और इसमें अगर हम पी क्यू आर का दिया हुआ वैल्यू पाई बाई टू इज इक्वल्स टू पाई, तो पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई टू, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई टू। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, रूट में पी बाई टू और क्यू बाई टू लगाया हुआ है, तो दोनों तरफ हम 2 से भागा दे देते हैं, तो पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना। फिर हम क्या देख रहे हैं, पी बाई टू क्यू बाई टू में टेन भी लगाया हुआ है, दोनों तरफ हम टेन लगा देते हैं, तो टेन पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू इज इक्वल्स टू टेन पाई बाय 4, पाई बाय 4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और इधर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला,
टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल्स टू वन। अब ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है माइनस बी बाय, और ये कितना दिया हुआ वन माइनस, ये मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है सी बाय इज इक्वल्स टू वन। तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वन माइनस सी बाय ए। ठीक है, आप क्या कीजिए वहाँ से एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी बाय, एलसीएम क्यों लिए हम ताकि ए से ए कट जाए, तो ये माइनस बी इज इक्वल्स टू ए माइनस सी हो गया। अब आप देखिए कैसा दिया हुआ है ना, तो ए प्लस बी बराबर सी दिया हुआ है। अगर हम इसको ए को इधर ले आते हैं, बी को उधर ले जाते हैं, हाँ ठीक तो है, अगर हम बी को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी को आप उधर ले जाएंगे तो सी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा सी के इक्वल, जो पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है ना, आप इसको नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखा और कह रहा है कि उसका रूट ए पी में है, तो क्यूबिक इक्वेशन तो कितना रूट होगा, तीन रूट होगा, और ए पी में तीन नंबर को हम कैसे मानते हैं, ए माइनस डी ए ए प्लस डी, आपको पिछले लेक्चर्स में हम बता चुके हैं, जहाँ पे ए पहला टर्म होता है और डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। तो हम मान लेते हैं इस इक्वेशन का रूट्स जो है, लेट्स रूट बी ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, क्लियर। तो समेशन ऑफ रूट्स भी हम जानते हैं, समेशन ऑफ रूट्स कितना होता है, समेशन ऑफ रूट्स होता है इस केस में माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी के स्थान पर क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है, डी से डी कैंसिल हो गया, तो थ्री ए का वैल्यू हो जाएगा पी, और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा पी बाय थ्री, क्लियर। अब ये तीनों रूट है ए माइनस डी ए ए प्लस डी, ए का वैल्यू पी बाय थ्री आया हुआ है, तो हम क्या जानते हैं, सिंस ए इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, अगर ये रूट है सो इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये रूट का बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर रूट होगा तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, सारे जगह a हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस पी ए स्क्वायर प्लस क्यू ए माइनस आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और a का वैल्यू आप जब पुट कर देंगे तो q है, तो ये क्यों क्या हो जाएगा पी क्यू बाय सत्ताईस माइनस पी इंटू स्क्वायर है फिर से, तो पी स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, प्लस क्यू इंटू ए है, ए का वैल्यू है पी बाय थ्री माइनस आर इक्वल्स टू जीरो। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम टोटल का कितना हो जाएगा 27, तो ये हो गया आपका पी क्यू माइनस, यहाँ से थ्री टाइम जाएगा ये पी इंटू पी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पी क्यू प्लस, यहाँ से थ्री है तो ये नाइन टाइम जाएगा नाइन पी क्यू माइनस, वहाँ से कुछ भी नहीं है, है ना वन है, तो ये सत्ताईस आर हो जाएगा। अब ये पी क्यू माइनस थ्री पी क्यू, तो माइनस टू पी क्यू प्लस कितना हो जाएगा नाइन पी क्यू, नाइन पी क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन आर इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना, इसको आप जीरो के उधर लेके चले जाइए, तो माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो टू पी क्यू इज इक्वल्स टू इधर कितना बच गया नाइन पी क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन आर। देखिए ये ऑप्शन है क्या, टू पी क्यू इज इक्वल्स टू नाइन पी क्यू माइनस ट्वेंटी सेवन आर, ये पहला ही नंबर दे रखा है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, और चलते चलते मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।